बढ़ते पेट्रोल की कीमतें व आसमान छूती महंगाई को लेकर किसान यूनियन का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। आसमान छूते पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की कीमतों सहित बढ़ती महंगाई से आम नागरिकों के जीवन के अधिकार की सुरक्षा को लेकर भारतीय किसान यूनियन पाली शाखा जिला अध्यक्ष मदन सिंह के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के बाहर किसानों ने धरना देते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि दिन ब दिन बढ़ते पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने के साथ ही जो आसमान छूते हैं, मीडियम वर्ग की आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, तो वहीं गैस के बढ़ते दामों से महिलाओं को अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ने से अपनी आवश्यकताओं की कमी करनी पड़ रही है। केंद्र सरकार द्वारा दिन ब दिन बढ़ती महंगाई पेट्रोल और डीजल सहित गैस के दामों पर अंकुश नहीं लगा रही, एक निरंकुश राजा की तरह जनता पर अत्याचार किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से किसानों को भी आर्थिक भार का सामना करना पड़ रहा है। आज आपकी क्वालिटी है यहाँ पे, वास्तव में आप किसान हो, वास्तव में आप खेती करते हो। यहाँ पिछले 10-15 साल में लंबी लंबी धोतियां झीणी झीणी सफ़े चुनरी पहनकर किसान बनकर नेतागिरी करके आपके वोट ले जाते हैं। मेरा 35 साल का अनुभव है, जो व्यक्ति कभी जीवन में खेती नहीं की, राजनीतिक पार्टियां चाहे कोई पार्टी बाजी बीजेपी और चाहे कांग्रेस, लेकिन किसान के नाम से राजनीति करती है। 15 दिन तक चुनाव में किसान 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 करते हैं और 4.5 साल तक किसी किसान की बूझ तक नहीं होती है। वही किसान खेत में, उसको पता भी नहीं समाचार क्या छप रहे हैं, टीवी में क्या आ रहा है, वो खेत में जाता है।